हो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनीता बैरवा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की ही इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है बच्चों मिस्ट्री ऑफ अ पेपर बैग। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री ऑफ अ पेपर बैग यानी कि पेपर बैग, कागज के बस्ते यानी कागज के बैग का रहस्य, उसका राज कि उसमें ऐसा क्या था, वो क्या रहस्य छुपा था। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा चैप्टर पढ़ना। वन डे मैरी एंड हर मदर वर गोइंग इन अ बस। एक दिन मैरी और उसकी माँ बस से कहीं जा रहे थे। दी वर गोइंग टू विजिट ग्रैंड मदर। दे वर गोइंग टू विजिट ग्रैंड मदर मतलब वह अपनी दादी से मिलने जा रहे थे। बच्चों बस में मैरी और उसकी माँ यानी कि एक छोटी बच्ची और उसकी मम्मी, वो कहाँ जा रहे थे? बस में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अपनी दादी से मिलने जा रहे थे। दी सेट ऑन अ लॉन्ग सीट। वे एक लंबी सीट पर बैठ गए। दी कुड वॉच ऑल द पीपल इन द बस। वे बस में बैठे हुए सभी लोगों को देख पा रहे थे। मैरी लुक्ड एट द पीपल ऑन पीपल मतलब मैरी मैरी ने वहां पर बस में बैठे लोगों को देखा। बच्चों एक छोटी बच्ची और उसकी माँ बस से कहीं जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? अपनी दादी से मिलने। और वे एक लंबी सी बस में जो सीट होती है उस पर बैठ गए। और वो इस ऐसी सीट पे बैठे कि वहां से वो बस में सभी लोगों को जो वहां पे उपस्थित है बस में, उनको सभी को देख पा रहे थे। और मैरी जो छोटी बच्ची थी उसने बस में सभी लोगों को देखा। वन ऑन वन सीट अ मैन वाज सिटिंग। उसने देखा कि एक व्यक्ति यानी कि एक आदमी एक सीट पर बैठा है। ही वॉज रीडिंग अ नॉवल और वह उपन्यास पढ़ रहा है यानी कि वह नॉवल पढ़ रहा है। उसने देखा बच्चों, उसने सारी बस में झांका तो सब लोगों को देख पा रही थी और उसने एक आदमी की तरफ देखा जो सीट पे बैठा था और वो नॉवल पढ़ रहा था यानी कि उपन्यास पढ़ रहा था। बच्चों छोटी बच्ची यानी कि मैरी ने देखा कि एक सीट पर एक व्यक्ति एक आदमी बैठा है और वो क्या पढ़ रहा है? उपन्यास पढ़ रहा है। उपन्यास पढ़ रहा है। उपन्यास क्या होता है बच्चों? बहुत सारी कहानियों का संकलन यानी बहुत सारी कहानियां होती है उनको इकट्ठा करके एक बुक बना दी जाती है अच्छी सी इसको पढ़ने के लिए, तो वो क्या होता है? उपन्यास होता है। ऑन अ अनोदर सीट अ वुमेन वाज सिटिंग। उसने देखा यानी कि छोटी बच्ची मैरी ने देखा कि एक अलग सीट पर एक औरत वुमेन बैठी है। शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर हैंड। उसने देखा यानी कि छोटी बच्ची मैरी ने देखा कि वो जो औरत बैठी है उसके हाथ में बहुत सारी चीजें यानी कि बहुत सारा सामान था। अ बैग अ बिग बैग। मैरी ने उस औरत के हाथ में बहुत सारी चीजें देखी और उसने ये देखा कि उस औरत के हाथ में एक बड़ा बैग है। थ्री बॉक्स तीन बक्से हैं। टू बुक्स और दो किताबें हैं। एंड सम रेड फ्लावर्स। और उसने देखा कि उस औरत जो वुमेन वहां बैठी है उसके पास लाल लाल फूल भी हैं। मतलब बच्चों उसने एक आदमी के पास देखा, वो तो पढ़ रहा था उपन्यास बैठा बैठा। उसने दूसरी एक सीट पे देखा तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसके पास बहुत सारी चीजें थी मतलब उसके हाथ में सामान था। क्या क्या था? एक बड़ा बैग, तीन बक्से, दो बुक्स और कुछ लाल लाल फूल भी उसके पास थे। मैरी कुडंट सी इवन हर फेस। मैरी उसका फेस नहीं देख पा रही थी मतलब उसके पास इतना सारा सामान था कि मैरी उसको उसके चेहरे को उसके मुंह को देखना चाहती थी पर वो फिर भी नहीं देख पा रही थी, उसे दिख ही नहीं पा रहा था। शी सा ओनली टू फ्लावर्स ऑन हर हेड। मैरी ने देखा कि वो जो औरत वो वुमेन बैठी है उसकी टोपी पे, उसने एक टोपी लगा रखी है और उस पे टू यानी कि दो फ्लावर्स फूल लगे हुए हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। सडनली मैरी सा एन ओल्ड लेडी इन फ्रंट। अचानक मैरी की नज़र उसके सामने बैठी एक ओल्ड लेडी यानी कि एक वृद्ध औरत के ऊपर पड़ी जो उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। शी हैड अ पेपर बैग इन हर हैंड्स। और उसने देखा कि उस औरत के पास जो वृद्ध महिला यानी कि जो बूढ़ी महिला है उसके पास उसके हाथों में क्या है? एक पेपर बैग यानी कि एक कागज का बैग या छोटा बस्ता। बच्चों उसने पहली सीट पे देखा कि एक आदमी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उपन्यास पढ़ रहा है। दूसरी सीट पर उसने एक महिला एक औरत को देखा जिसके हाथ में बहुत सारी चीजें
बैग, बक्सा और कुछ फ्लावर्स, और उसने टोपी पहनी हुई है जो उसे नहीं उसका जिसके कारण उसका फेस उसे नहीं दिख पा रहा था। और अचानक उसकी नज़र उसके सामने बैठी सीट पे पड़ी। उसने देखा कि वहां पे एक वृद्ध महिला बैठी है और उसके पास एक कागज बैग है। अब पेपर बैग, मैरी बोलती है, ए पेपर बैग, यू मे आस्क, मतलब आप पूछ सकते हो, दैट्स नॉट सो इंटरेस्टिंग आफ्टर ऑल। एक पेपर बैग, आप पूछ सकते हो कि एक पेपर बैग जो है वो कोई इंटरेस्टिंग यानी कि कोई रुचिपूर्ण चीज नहीं है। ये बात मैरी कहती है कि आप पूछ सकते हो कि एक पेपर बैग है तो क्या है, ये कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मैरी, लेकिन वो मैरी यानी कि जो छोटी बच्ची थी उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिपूर्ण, यानी वो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी उसमें, वो बहुत एक्साइटेड थी उसको लेके। क्यों? बिकॉज दिस पेपर बैग वॉज नॉट सिटिंग स्टिल, क्योंकि वो जो पेपर बैग उसने उस वृद्ध महिला के हाथ में देखा वो बिल्कुल शांत नहीं था। वो दिस पेपर बैग वाज डांसिंग, जो कागज का जो बैग उस वृद्ध महिला के हाथ में था वो डांस कर रहा था। क्योंकि वो बोलती है मैरी कि पेपर बैग मतलब कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, लेकिन मैरी उसमें रुचि इसलिए ले रही थी बच्चों, क्योंकि जो पेपर बैग उस वृद्ध महिला उस बूढ़ी औरत के हाथ में था वो शांत नहीं था, वो इस तरीके से हिलडुल रहा हो जैसे कि डांस कर रहा हो। तो उस बच्ची ने उसमें ये बोलना चाह रही है कि वो शांत नहीं था, अगर वो शांत होता तो उसे कोई उसमें रुचि नहीं होती, लेकिन वो बैग बार बार हिल रहा था जिसे देखकर वो बच्ची उसके लिए उसमें रुचि लेने लगी कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। वट कैन इट बी, थॉट मैरी। वो मैरी ने सोचा कि इसमें क्या हो सकता है कि ये ऐसे डांस कर रहा है। हेयर वाज अ बिग क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन था मैरी के लिए, अ बिग मिस्ट्री यानी कि एक बड़ा रहस्य, बड़ी एक छुपी हुई बात, एक राज की बात, या ऐसा कोई रहस्य। हु, कौन, वाई, क्यों और वट। अथो मैरी, उसने सोचा कि इसमें ऐसी क्या चीज है, कौन है और ये कैसे है और क्यों है। ऐसे वो सोच सोच के बहुत परेशान होने लगी और उस बैग की तरफ ध्यान से देखने लगी। शी सेट वेरी स्टिल ऑल द टाइम वॉचिंग द पेपर बैग, और वो एकदम चुपचाप बिल्कुल शांत बैठकर अच्छा उसके एक टक यानी कि लगातार उस बैग को देखती रही। सडनली बस स्टॉप्ड, अचानक बस रुक गई, मतलब वो बच्ची उस बैग को जो डांस कर रहा था या बार बार जो हिल रहा था उसको देख के वो चौंक गई, और उसके दिमाग में ये चलता रहा कि इस बैग में क्यों है, कौन है और क्या है और क्यों है। और वो चुपचाप बैठकर उस बैग की तरफ देखने लगी शांति से, और अचानक क्या हुआ बच्चों कि बस रुक गई, मतलब कोई स्टॉप आया और बस रुकी। मैरी हेयर आ वेरी लाउड, मैरी ने अचानक एक ऊंची सी मतलब तेज सी आवाज में सुना म्याऊं, यानी कि बिल्ली की आवाज सुनी बच्चों उसने। बच्चों एक छोटी बच्ची मैरी जो एक बस में सफर कर रही है, और वो कहाँ जा रही है, अपनी दादी से मिलने। वो देखती है कि बस में बहुत सारे लोग हैं और उसकी नज़र बस में बैठे लोगों पर पड़ती है। सबसे पहले उसने देखा कि एक व्यक्ति, एक आदमी बैठा बैठा एक किताब यानी कि उपन्यास उपन्यास नॉवल पढ़ रहा है। दूसरी सीट पर उसने देखा कि एक एक लेडी यानी कि एक औरत बैठी है, उसके पास बहुत सारा सामान है, बैग, बक्से, गुलाब का फूल। फिर अचानक उसकी नज़र एक वृद्ध महिला जो उसके सामने बैठी थी उस पर पड़ती है। उस औरत के हाथ में उसे एक बैग दिखता है, पेपर बैग। वो बैग शांत नहीं होता और वो बैग हिलदा डुल रहा होता है यानी कि वो डांस कर रहा होता है। उसे देखकर वो परेशान हो जाती है कि बैग ऐसा डांस क्यों कर रहा है, उसमें क्या है, किस प्रकार की चीज़ें हैं। और फिर अचानक बच्चों बस रुक जाती है और उसे एक आवाज़ थोड़ी तेज आवाज़ में उसे सुनाई पड़ती है, म्याऊं यानी कि बिल्ली के बच्चे की आवाज़। देन शी सॉ टू लिटिल ब्लैक ईयर्स, और वो देखती है कि दो छोटे छोटे लिटिल मतलब कान ब्लैक कलर के, एंड अ लिटिल पिंक नोज, और एक छोटी सी पिंक कलर की नोज यानी कि पिंक नाक, एंड टू ग्रीन आईज, और वो देखती है कि दो हरी हरी आंखें। ओ इट्स अ किटन, वो जोर से चिल्लाई मैरी की ओ ये तो बिल्ली के बच्चे हैं। बच्चों किटन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा। क्राइड मैरी एंड शी लॉफ्ड, और मैरी को हंसी आ गई उन बिल्ली के बच्चों को देखकर। डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, इफ यू वांट्स टू सी दिस किटन टू, बच्चों अगर आप इस किटन के बच्चे को देखना चाहते हैं तो
लुक एट द पिक्चर। तो बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि देखो किस प्रकार एक पेपर बैग है, कागज का बैग है, और उसमें एक बिल्ली का छोटा बच्चा है, और जैसे बस रुकी है तो वो जो बिल्ली का बच्चा है वो धीरे में से अपनी प्यारी सी आवाज में बोलता है कि म्याऊं, जिसे देखकर वो छोटी बच्ची जो मैरी है उसे हंसी आ जाती है। तो बच्चों अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इसे देख सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बच्चों अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम इस बिल्ली के बच्चे को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पेपर बैग में बंद है और किस तरीके से आवाज़ निकाल रहा है। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है और इस चित्र में साफ साफ दर्शाया गया है। तो बच्चों हमें पता चल गया कि पेपर बैग का रहस्य क्या था। तो इसी पर हमारी कहानी थी कि एक बच्ची छोटी जिसे एक पेपर बैग देखती है, वो उसको हिलता डुलता देखती है, यानी कि उसको डांस करता देखती है, तो परेशान हो जाती है, और आखिर में उसे पता चल जाता है कि उसमें क्या था, एक छोटा बिल्ली का बच्चा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश खुश होती है और हंसती है उस बिल्ली के बच्चे को देखकर। चलिए बच्चों हम अब इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं। वॉच, वॉच यानी होता है सी यानी देखना, कुडंट यानी कुड नॉट, स्टिल यानी होता है शांत काम, मिस्ट्री सीक्रेट यानी कि कोई राज या रहस्य, किटन द यंग वन ऑफ अ कैट यानी कि बिल्ली का एक छोटा बच्चा। तो बच्चों चलिए इसकी क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये करने हैं और मैं आपको बता रही हूँ इसको किस तरीके से करना है। करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम। बच्चों ये स्पेलिंग्स दी गई है ये गलत है, आपको इसको दोबारा लिखना है, लेकिन सही करके, मतलब ये गलत लिखी हुई है आप इसे सही करेंगे और यहाँ दोबारा लिखेंगे जो यहाँ पे जगह दी हुई है। इसमें लिखा है बच्चों SITING, बच्चों ये स्पेलिंग गलत है, SITING सिटिंग होगा। दूसरी स्पेलिंग पे आते बच्चों MISTARY, बच्चों ये स्पेलिंग गलत है क्योंकि MYSTRY मिस्ट्री यानी कि रहस्य, तो ये स्पेलिंग गलत है, आपको यहाँ पे ये ए हटाना है और MYSTRY लिखना है। बच्चों ये SEET सीट लिखा हुआ है ये गलत, तो बच्चों यहाँ पे सीट की स्पेलिंग SEET लिखी हुई है जो कि गलत है। अब हम इसे सही करके लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे SEAT सीट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये डांसिंग की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, DONCING, तो अब हम इसको सही करके नीचे लिखेंगे तो DANCING, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ओ की जगह ए आ जाएगा। आगे वाला करते हैं बच्चों, यहाँ पे हैट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, HAT जो हैट है यानी टोपी जो गलत है, तो अपन यहाँ पे HAT हैट लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा चैप्टर मिस्ट्री ऑफ पेपर बैग यानी कि कागज के बस्ते या बैग का रहस्य। बच्चों हमने इसके व्याकरण बोध और क्वेश्चन किए हैं, आपका ये चैप्टर डन है, अब हम अगली बार नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।